दादरी जिले के 40 सरपंचों ने एकजुट होते हुए सरकारी योजनाओं के अलावा अपने स्तर पर विकास की नई इमारत रखने का संकल्प लिया है। साथ ही निर्णय लिया कि सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहेंगे। सरपंचों के समर्थन पर सांगवान ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि सरकार गांवों के नए चौधरियों के विकास में मदद करेगी तो भविष्य में सरकार को भी फायदा मिलेगा, वरना सरकार की राह पर ये नए चौधरी रोड़ा अटका सकते हैं। दरअसल दादरी जिले के 40 गांवों के सरपंच सोमवार को पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निकास पर पहुंचे थे और उनसे आशीर्वाद लेते हुए विकास की नई डगर पर चलते हुए विकास कार्य करवाने का संकल्प लिया। आज ये एकदम परसों चुनाव हुआ था, 12 तारीख चुनाव होने के बाद मैं अचंभा कर रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरे को जितना प्यार दिखाया, भाई मैं तो इस तरह का बड़ा एहसान बंद हूँ कि आज 35-35 न्यूली इलेक्टेड सरपंच आपके बीच में आए। तो इसका मतलब कि दादरी की जनता न्यू कह रहा बूढ़ा दो एक साल और चीज़ है, तो मैं जो है ना इनकी मेहरबानी से मेरी उम्र भी बढ़ी है। मैं तो यही कहता हूँ कि जो प्यार इन जो आज दिखाया है ये साफ जाहिर है। परसों चुनाव हुए राजपुर में से 35 जो है ना सरपंच यहाँ गए, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। तो मैं राजनीतिक नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि दादरी किसानों और सैनिकों की धरती है, इसमें जो है ना मैं सरकार से भी अपील करता हूँ, सरकार के नुमाइंदों से भी अपील करता हूँ कि दादरी का कल्याण करो, तुम्हारा भला होगा। नहीं दादरी आज बिरती है तो भाई किसी के बस के नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर आज जो प्यार से इनने मेरे को वो दिया है तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी उम्र बढ़ा दिन रात को। युवा ये जमाना है युवाओं का होगा, मैं तभी तो कह रहा हूँ राजनीति तो इलेक्शन लड़न तो संन्यास ले लिया, राजनीति तो नहीं तो इन्हें कुछ रखेगा, सीधा रखना भी मेरा काम है, मेरा धर्म है जब मेरे को इतना प्यार दिखा रहे। मैंने मंत्री से भी बात करी थी, उसने कहा था कि आप चिंता ना करो, मैं तो चिंता क्यों करूँ, चिंता तब ना होगी जब काम नहीं करोगे। अब मैं इनको देता हूँ, शांति से काम करो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है, ये तो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग बहुत अच्छी चलोगे तो न्यू कहेंगे हाँ 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 मरने के देश में वो कर दिया, पर न्यू कहेंगे दादरी की जनता गाड़ भी देख, न्यू कहेगा मेरा ससुराल ने काम तो बहुत कराया है। तो काम करो, प्यार से करो, सबको साथ लेके चलो, भूल जाओ जो चुनाव होना था वो भूल लिया, कोई खास बात हाँ भाईचारे भावना रखो, भाईचारे की भावना जरूरी है। मैं इस राजनीति में ये छुटकर मुटकर बोल रहा हूँ, इस राजनीति में तो मैं हिस्सा नहीं लेता। तो किरण को मैं हरियाणा में लेके आया था, मेरी नेता भी थी, पर उसको पता नहीं दिमाग में क्या हो गया, धर्मवीर तो हाथ मिला लिया मेरा तो हराने के लिए, तो मैंने उसके बाद मैं और क्या कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। भगवान उसको सद्बुद्धि दे, मैं चौधरी मेरा पर चौधरी बंसी लाड़ो ये सब करो जरा चाचा मेरे बिना थोक उन्हें उसके साथ बुरे बुरे दिन मई था और कोई आया तो के मेरा तो भगवान है, आज भी मैं भगवान मानता हूँ।